खौफ जो है वो हमेशा लोकतंत्र में जनता का होना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और केशव प्रसाद मौर्य का जो अहंकार है वो ये भी बता रहा है कि ये अहंकार केवल मोदी जी वाला है, क्योंकि मोदी जी के अलावा तो इनके यहाँ नेता नहीं है। परिवारवाद की बात करते हैं, तमाम परिवार के लोग जो है इन्होंने अपने से जोड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेसी थे जिनको ये आरोप लगाते थे परिवारवाद का, उनको भी अपने यहाँ लेके गए। क्यों? सिंधिया किसके बेटे हैं, क्यों जितेंद्र प्रसाद किसके बेटे हैं, आरपीएन सिंह किसके बेटे हैं, इन बातों का जवाब इनके पास नहीं होता है। लेकिन खौफ जनता का होना भी चाहिए। मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, उन्हें खौफ है, उन्हें खौफ है हार का, इसीलिए माहौल खराब कर रहे हैं। उन्हें खौफ है कि बृजभूषण शरण सिंह को कहीं आगे ना बढ़ा पाए तो आदित्यनाथ उनको ना धमका जाए, इसी कारण से उन्होंने बेटियों पर सेंगोल का प्रहार करा। यही होता है खौफ। मगर जहां तक विपक्षियों की बात है, वो आज केवल भारत के लिए लड़ रहे हैं और भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे और ये धनंजय जी रिप्लाई बाहर हो गए।